तो भाई सबसे पहले तो आप प्रूफ देख लो, मुझे 5 रुपये प्लस 15 रुपये पेटीएम बस इंस्टेंटली रिसीव हो चुका है। 17 जनवरी आज का डेट है, तो आपको भी कैसे कर सकते हो आप भी, बस वीडियो को पूरा देखो और पर पेटीएम नंबर आप 20 रुपये फ्री में ले सकते हो, फ्री में 20 रुपये जितना भी आपके पास पेटीएम नंबर है। तो ट्रिक क्या है सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा लास्ट जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करके रखा तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पर वो चीज़ आने वाला है। ओके, तो देखो करना कैसे है, मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो फॉलो कीजिएगा सही से। ओके, अब मैंने क्या किया, ये एक ऐप है कैशबर्ड। ओके, तो मैंने इससे अवेल कर लिया ऑफर फ्री में, मतलब मुझे पेटीएम कैश मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेल्टर एप्लीकेशन यूज करूँगा। ओके, आपको पता होगा सेल्टर एप्लीकेशन मैंने पिछले वीडियोज़ में दिया था, बताया था, तो आप भी वही सेल्टर एप्लीकेशन यूज कीजिएगा उस एपी को। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको सेल्टर, ये देखिए सेल्टर एप्लीकेशन है। तो ये एपीके का लिंक कहाँ दूंगा मैं, यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी डाउनलोड होता नहीं है, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम आ जाइएगा, टेलीग्राम में डायरेक्ट एपीके ही मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेल्टर में, तो सेल्टर में क्या करता हूँ, इसका प्ले स्टोर में खोलता हूँ और यहाँ पर मैं कैशबर्ड यूज कर लेता हूँ। ओके, कैशबर्ड मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर और नीचे दिया हुआ रेफर कोड आप अप्लाई करके साइन अप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल लीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर गूगल से साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो गूगल से साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गूगल से साइन इन कर लेता हूँ, बस इतना सा काम है आपको, मतलब कि यहाँ पर आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर वॉलेट में कुछ भी रुपया नहीं रहेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे 18 रुपये आप ले सकते हो इससे, प्लस 5 रुपये का और ट्रिक है उससे, ठीक है। वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, वीडियो में लाइव करके बता रहा हूँ, तो आपको भी उतना टाइम ही लगेगा जितना मुझे लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर लेटेस्ट ऑफर्स में आइए, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो एक अन अकेडमी का ऑफर दिख रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, लेकिन जिनको नहीं पता तो वीडियो को लास्ट देखो। यहाँ पर कंप्लीट टास्क पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पहुँचा देगा आपको प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे देखिए जल्दी से इतना जल्दी डाउनलोड हो गया कि मैं क्या बोलूँ आपको, पता होगा, नहीं पता होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसी में ट्रिक बताया हूँ। अब इसमें पूरा ट्रिक नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ तक आप पहुँच गए आप, अब यहाँ से होम बटन दबा दो, और आपको एक एप्लीकेशन मैंने दिया होगा, दिया था मैंने पहले नेक्स्ट प्लस टेक्स्ट प्लस, यहाँ से आप यूएस नंबर निकाल सकते हो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं यूएस नंबर निकाल लेता हूँ। अब देख लो यहाँ पर एक अपडेट क्या है, यहाँ पर आप एक यूएसए नंबर से 2 बार आप अन अकेडमी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नया नंबर मैं निकाल लेता हूँ, सेटिंग में जाके अकाउंट को डिलीट मैं कर देता हूँ। तो मैं नया नंबर निकाल रहा था, तो ये मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है, ये बहुतों का एरर आ रहा होगा मुझे पता है। तो इसका एरर का सोल्यूशन मैंने पहले बता दिया, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा एरर आ जाए तो आपको क्या करना है, अपना सेल्टर का क्लियर डेटा कर लेना, ठीक है। ये जो सेल्टर है कहाँ, ये सेल्टर, इसका क्लियर डेटा कर लेना, फिर से इसको ओपन करना और एक नया जीमेल आईडी से, मतलब नया ईमेल आईडी से प्ले स्टोर अकाउंट बना लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें रजिस्टर कर लोगे तो आपका पूरा ये एरर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्ले स्टोर अकाउंट से आप कुछ ही नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरा खत्म हो चुका है और मैं दोबारा अभी मैं सेल्टर का एप्लीकेशन क्लियर डेटा करके दूसरा आईडी में लॉग इन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए मैं एक और ऐप यूज करूंगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्रोम में लिखिएगा टेक्स्ट नाउ, ये टेक्स्ट नाउ लिखिएगा ना तो ये आ जाएगा, तो इसके वेबसाइट पर जाइएगा और इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाउ से एक नंबर निकालता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको यूज़ करने आता होगा, मैंने बहुत बार इसको बताया हुआ है, नहीं आता तो आप देख लीजिएगा, आप इंस्टॉल कीजिए टेक्स्ट नाउ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक कॉपी नंबर कर लेता हूँ 985 का। ओके, अब मैं जाता हूँ वापस अपने अन अकेडमी में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नंबर डालना है, कोई भी रेंडम आपको इंडियन नंबर डालना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। अब यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर स्टेट आप चूज़ कर लीजिएगा कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक करना है, अब यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको यूएस नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से यूएस नंबर सेलेक्ट कर लिया और जो मैंने नंबर निकाला था इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट हो गया, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, फिर से कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, 273846, 273846, यहाँ एग्री पे कंटिन्यू कीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, बस इतना काम है, सबको पता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था, अब यहाँ पर नेक्स्ट में करता हूँ। अब थोड़ा सा ऐप में आपको 50 सेकंड तक कम से कम वेट करना है। ओके, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ भी आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कैशबैक अकाउंट में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैशबैक अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर वॉलेट में जाता हूँ, अभी आए नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ओके गाइज, देखिए यहाँ पर मुझे 15 रुपये मिल चुके हैं। ओके टाइम ही देख सकते हो, ये 15 रुपये मुझे इंस्टेंटली मुझे मिल चुका है। तो भाई इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस 15 रुपये मिल गया एन अकेडमी से, और ये हर पेटी नंबर से आप एक बार लूट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 15 रुपये ले लिए, अब इसको मैं रिडम कर लेता हूँ। ओके ट्रांसफ़र टू पेटीएम वॉलेट, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 15 रुपये मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो देखो, तो मैंने विड्रो लगा दिया है, अब मेरे में विड्रो आ जाएगा, मैं यहाँ पर इंस्टेंटली विड्रो आ जाता है, देखिए लग गया। अब मैं आपको यहाँ पर पेटीएम अपना चेक करा लेता हूँ, ठीक है। बैलेंस में स्ट्रीम जाता हूँ, देखिए मुझे 5 रुपये 15 रुपये मुझे मिल चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो 15 रुपये मुझे मिल गया इंस्टेंटली, 9:10 हो रहा है, 9:10 इंस्टेंटली। अब 5 रुपये और कहाँ से होगा, देखो 5 रुपये और कहाँ से होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और मैं स्पेशल लिंक दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है, नीचे में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब उसको ओपन करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने प्ले स्टोर में, और यहाँ पर वो लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए जैसे लिंक को ओपन कीजिएगा वो लिंक, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन उससे पहले भाई आपको यहाँ पर पूरा इसका क्लियर करना पड़ेगा अनलिमिटेड करने के लिए, क्योंकि एक बार तो आपने अनअकैडमी डाउनलोड कर लिया तो दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से अनइंस्टॉल मार देना है, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने बताया, अनइंस्टॉल मारने के बाद यहाँ से आपको जाइए, यहाँ से क्लियर मतलब कि एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ कर दीजिए, फिर सेटिंग में जाइए और गूगल में जाके यहाँ पर वर्क, मैं यहाँ पर शेल्टर में कर रहा हूँ इसलिए वर्क में मैं इसका मतलब कि एडवर्टीजमेंट आईडी रीसेट कर दूंगा, ठीक है। हो गया रीसेट आईडी, बस इतना सा काम है, सारा हट गया। अब आप फिर से कर सकते हो, फिर से कर सकते हो, और एक यूएसए नंबर से आप 2 बार अन अकेडमी कर सकते हो, एक यूएसए नंबर से, बार बार निकालने जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले एक नंबर से एक बार होता था ना, अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एक नंबर से आप 2 बार कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसके क्रोम में जाता हूँ मैं सेल्टर वाले, और इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ओपन कर लिया, अब यहाँ पर आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है, जो पेटीएम नंबर डालोगे उसी में 5 रुपये आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेटीएम नंबर डाल देता हूँ, डाल के सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा पेटी नंबर चेक करके, ठीक है। ओके जैसे कीजिएगा, ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से वही जैसे मैंने बताया, पहले इंडियन नंबर डालिएगा, इंडियन नंबर डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा, और अपना नाम, ईमेल आईडी और स्टेट डाल दीजिएगा, उसको फिर से बैक आके तब वहाँ पर जाके आपको चूज करना है यूएस। अब देखो एक यूएस नंबर से 2 बार कैसे होगा, एक बार यूएस चूज कर लीजिएगा, एक बार कनाडा चूज कर लीजिएगा, और सेम ही आप नंबर डालिएगा यूएस का, दोनों बार ओटीपी आ जाएगा, दोनों बार अकाउंट बन जाएगा। तो एक यूएसए नंबर से 2 बार अकाउंट बन गया, पहले आप एक कैशबैक का अकाउंट से आप एक बार अनअकैडमी कर सकते हो, और एक बार 15 रुपये पेटीएम ले सकते हो, प्लस मैंने एक स्पेशल लिंक दिया है, वहाँ से आपको 5 रुपये पेटीएम अर्निंग हो जाएगा फ्री में इंस्टेंटली, वो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लिंक वाला है वो 2 से 3 मिनट लग जाएगा, आपको इंस्टेंटली क्रिएट नहीं होगा, 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको हाँ 15 प्लस 5 20 रुपये मिल जाएगा आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में, अगर आप इस ट्रिक से यूज करते हो तो। एक 15 रुपये कैशबैक से, एक जो मैंने स्पेशल लिंक दिया वहाँ से। तो भाई मिस मत करो, एक पेटी नंबर से आप 20 रुपये लूट सकते हो। अनलिमिटेड करने के लिए मैंने बता दिया, सेल्टर एप्लीकेशन को क्लियर कर दीजिएगा, अगर आप में ऐसे करके एड्स रीसेट से नहीं होता है तो, ठीक है। बहुत लोगों क्या है कि रेडमी और सॉरी बहुत लोगों क्या होता है कि रियलमी और ओप्पो ये सब के डिवाइस में ये ट्रिक वर्क नहीं करता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो सेल्टर एप्लीकेशन है इसका क्लियर कर दीजिएगा, तब जाके आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ओके फिर से सब कुछ कीजिएगा, तो और पोको रेडमी ये सबको वाले तो मतलब ऐसी बस एड रीसेट और एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ से हो जाता है। तो ये बस वीडियो में, वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।